अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर, टीचर सना काशिप। आइए आज हम उर्दू का लेक्चर नंबर 12 लेते हैं। हमने अपना टॉपिक शुरू किया था सूरज के फ़ायदे, उसकी रीडिंग, इमला और अल्फाज मैंने देखे थे। आज हमने उसके आंसर क्वेश्चन करने हैं, सवाल जवाब। ठीक है, अपने नोट्स खोलें, नोट्स से इसके सवाल जवाब देखें, बहुत ईजी हैं। सबसे पहला है हमारा सवाल, सूरज के चार फ़ायदे लिखिए। ठीक है, उसके चार फ़ायदे हैं। सूरज से हर तरफ रोशनी होती है, सूरज से अनाज की खेतियां पकती हैं, सूरज से हमें धूप और गर्मी हासिल होती है, जब सूरज निकले तो दिन और अगर छुप जाए तो रात हो जाती है। हमें सूरज की नेमत के लिए क्या करना चाहिए? हमें सूरज की नेमत के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इस नज़म के, यानी जिस जो नज़म हम पढ़ रहे थे सूरज के फ़ायदे, उसके शायर कौन हैं? इस नज़म के शायर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। और नंबर चार पे सवाल है, अगर सूरज ना होता तो दुनिया कैसी होती? चार बातें लिखें। तो स्टूडेंट्स, ये खाली जगह दी गई है, ये आपने ख़ुद फिल करनी है, ये चार बातें आपने ख़ुद लिखनी हैं। और अगर आपको याद हो तो हम सबसे पहले लेसन, सबसे पहले सबक में, सबक था शुक्र तेरा खुदाया, हम्द पढ़ी थी, उसमें हमने नेमत सूरज के बारे में चार बातें लिखी थी कि अगर ये नेमत सूरज दुनिया में ना होता तो क्या होता। ठीक है, तो वही चार बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने आपको बहुत बड़ा हिंट भी दे दिया, अब आपने ख़ुद ये फिल करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप बुक पे आ जाएं, बुक वर्क करना है हमने। अगला सफ़ा खोलें इसका, पेज नंबर 36। हमने ये वाला क्वेश्चन करना है इसका, हरूफ की तरतीब बदल कर नए अल्फाज बनाइए। हमारे पास सबसे पहले हरफ आराम, हमने इसकी तरतीब बदली और उससे चार लफ्ज बना दिए, मार, मारा, आम, इरम, और एक और लफ्ज़ भी बन सकता है, राम। ठीक है, इसी तरह रोशनी, रोशनी से हमने बना दिया शेर, शोर, नूर, रोशन। बदौलत से हमने बना दी दौलत, बदल, तोल, बोल। इसके अलावा कोई भी अल्फाज आपके जहन में आते हैं जो इन्हीं लफ्ज हर्फ से बनते हों तो आप लिख सकते हैं ख़ुद से भी। ठीक है, आज का सबक हमारा यहीं तक है, हमारा ये लेसन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।